भारत में लोकतंत्र का जश्न जारी है। आज सातवें दौर का मतदान पूरा हो गया, 89 सीटों पर वोट पड़े। श्रीनगर को छोड़कर अमूमन सभी 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जमकर वोटिंग हुई। इसके साथ ही अब तक लोकसभा की 438 सीटों पर चुनाव निपट चुका है। आज जहां बीजेपी के नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली की किस्मत का फैसला हुआ, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीट रायबरेली पर भी वोटिंग हुई। इधर तेज गर्मी के बीच वोट पड़ रहे थे, उधर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कैमरों के सामने कमल का निशान दिखाना राजनीतिक गर्मी पैदा कर रहा था। हल्ला बढ़ा तो चुनाव आयोग के कहने पर मोदी के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने के 2 एफआईआर दर्ज किए गए। जांच का जिम्मा अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। बुधवार को वोट डालने के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हाथ में कमल का फूल लेकर मीडिया को संबोधित किया। इसी के साथ शुरू हो गया विवाद। कांग्रेस ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है, मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हर चीज में प्रधानमंत्री की कुर्सी देखते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श संहिता उठा के फेंक देते हैं। हर चीज में उनको एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, चुनाव आयोग इसको देख रहा है और उसको कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पर बीजेपी ने शिकायत को कांग्रेस की हताशा बताया। उसकी नजर में चुनाव निशान दिखाकर मोदी ने कुछ भी गलत नहीं किया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर उन्हें चुनावी कानून का ABCD भी मालूम है तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो मतदान केंद्र होता है उससे एक निर्धारित सीमा है, उस सीमा के बाहर मतदान के बाद कोई भी नेता निकलता है, कोई भी व्यक्ति निकलता है, अपनी बात कहता है, तो उसमें जो है वो कहां से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी जांच के बाद इस शिकायत को सही माना कि मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव और DGP को लिखा कि मोदी ने जिस तरह कमल निशान दिखाते हुए प्रेस को संबोधित किया वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश थी। उनके संबोधन को TV चैनलों ने प्रसारित किया। भाषण का प्रसारण उन इलाकों में भी हुआ जहां मतदान हो रहा था। ये जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126(1)(b) का उल्लंघन है। मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के लिए शाम 6 बजे तक का समय दिया था, जिस पर प्रशासन ने मोदी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसी के साथ आयोग के आदेश पर अमल करते हुए मोदी के मीडिया संबोधन का सीधा प्रसारण करने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। विक्रांत यादव, IBN 7। मोदी और इस विवाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर आज की वोटिंग पर। 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए मतदान हुए। वोटिंग में पहले नंबर पर रहा पश्चिम बंगाल, यहां 83% का मतदान हुआ, जबकि 2009 में यहां 82% का मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में आज 14 सीटों पर 57% की वोटिंग हुई, 2009 में ये 48% का आंकड़ा था। गुजरात में 62% लोगों ने वोट डाले, 2009 में ये वोट महज 48% का था। बिहार में आज 60% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 2009 में 45% लोगों ने वोट डाले थे। आंध्र प्रदेश में 70% लोगों ने वोटिंग की, 2009 में 68% का ये आंकड़ा था। पंजाब में 73% लोगों ने वोट डाला, पिछले चुनाव में 70% लोगों ने वोट डाला था। बहरहाल इस मतदान के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर हम इंडिया 9 बजे में अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि क्या कमल का निशान दिखाना मोदी की गलती है या प्रचार का तरीका था? क्या मोदी के खिलाफ सख्ती सिर्फ आयोग की एक रस्म अदायगी है? क्या मतदान के दिन विवाद से बीजेपी को लाभ होगा? 89 सीटों पर मतदान हुआ, आखिर ध्रुवीकरण किसके पक्ष में रहा? और श्रीनगर के अलावा बाकी जगहों पर ज्यादा वोटिंग हुई तो इसके मायने क्या? इंडिया 9 बजे में इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमानों का एक खास पैनल। बीजेपी के नेता विजय गोयल, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। विनय, पहला सवाल कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा, और वो ये कि चुनाव आयोग ने इस बार प्रोएक्टिव तरीका तो दिखाया है, लेकिन केसेस दर्ज हो रहे हैं। प्रचार के दौरान किसी को जो अंकुश लगाना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। एक तरफ आप ये आभास दे रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, दूसरी तरफ अब प्रक्रिया है, चलती रहेगी, आप क्या समझते हैं? देखिए संजय, अगर आप पुराने चुनावों को उठा के देखें तो आचार संहिता के जितने भी वायलेशन के केसेस हैं उनमें किसी भी केस को लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाया जाता है,
और इसमें एक बड़ा सबक यह है कि जो आचार संहिता का कानून है अपने आप में, उसको एक फ्रेश मॉडर्न लुक देने की भी आवश्यकता है। कानून का एक हिस्सा यह भी है कि जिस इलाके में चुनाव हो रहा है उस इलाके में उस तरीके का प्रसारण नहीं किया जा सकता। जमाना बदल गया है, टाइम बदल गया है, टेलीविजन छोड़ दीजिए, अब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार होता है और आप उसको किसी भी तकनीक, किसी भी कानून के द्वारा रोक नहीं सकते। थोड़ी सी लॉ में अनप्रैक्टिकलिटी है, इसीलिए आप देखते हैं कि इस तरह की FIR रस्म अदायगी के तौर पर रजिस्टर होती हैं। जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, इलेक्शन कमीशन का वर्चस्व खत्म हो जाता है और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसको इंप्लीमेंट करता है वो उसको कभी भी अपने लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाता, किसी भी चुनाव में ऐसा अभी तक। तो आप इसका नरेंद्र मोदी का अब से लेकर प्रचार तक उनके ऊपर कोई निगेटिव फॉलोआउट नहीं देखते? मुझे नहीं लगता, ये बयानबाजी इस पे ज्यादा होगी, लेकिन इसका एक्चुअल इंपैक्ट वोटर के मन में कितना होगा और क्या वो एक्चुअली चुनाव का सिंबल देखने से इन्फ्लुएंस होता है या नहीं, ये बहुत मेरे ख्याल से एक पुअर इंटरप्रिटेशन है। सिंबल को दिखाना ना तो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना ही उसको ना दिखाने से आप किसी चीज को रोक सकते हैं। ये फेयरनेस की एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जो बड़ी अनप्रैक्टिकल है मॉडर्न जमाने में। बिल्कुल। विजय गोयल साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक प्रकार का सेल्फ एडमिशन नहीं है कि शायद कोई मोदी वेव अगर है भी तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह को पहचान को लेकर के इशू है, इसीलिए लगातार नरेंद्र मोदी कमल का चुनाव चिन्ह अपने कपड़ों पर लगाते हैं और आज तो उन्होंने उठा करके उसको लहराया, इसको अवॉइड किया जा सकता था पूरे विवाद को कि नहीं? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर किसी को यह पता होता कि इसमें से विवाद निकलने वाला है तो जाहिर तौर के ऊपर उसको अवॉइड किया जा सकता था, किंतु जैसा अभी बताया कि ना तो इसका कोई प्रभाव है ना कोई इसके अंदर कोई इंटेंशन है। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी देखेंगे, 126(1)(b) की जो धाराएं हैं उन धारा के अंदर भी उन्होंने जो रोक लगाई है वो इन बातों की लगाई है जिससे कि किसी तरीके से कोई भाषण या इस तरीके से कोई भड़क सकता हो, कोई इलविल फैल सकती हो, उस बात के लिए है। एक अगर उंगली दिखा दी या उसके पास कमल निशान दिख रहा है तो मैं नहीं समझता ये चुनाव के मुद्दे हैं। चुनाव के मुद्दे हैं विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद। अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं होंगे या दूसरी पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं होंगे? नहीं, लेकिन देखिए विजय गोयल साहब, क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी के खुद बैठने से ये नहीं पता चलता कि नहीं वो कमल है या नेता है? जी जी, क्वेश्चन ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जितना कहा गया है उससे 10% ज्यादा पालन करते हुए अगर बड़े राजनेता और वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार अगर नजर आए तो अच्छी बात है, उधर गलती क्यों करें, कॉशन की तरफ गलती कर दें? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे असहमत नहीं हूं, पर सवाल यह है ये चीज ऐसी नहीं थी जिसके बारे में किसी को भी ये मालूम हो कि कुछ पार्टियां इस छोटी सी चीज को विवाद बनाने वाली हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं है। क्या मोदी जी हर समय अपना कमल यहां पे लगाए नहीं घूमते? क्या टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं आते कि कमल के ऊपर बटन दबाइए? और क्या रेडियो या दूसरे माध्यमों से उसका प्रचार नहीं हो रहा जो आपको लगता है कि 2 मिनट की क्लिपिंग से जो मीडिया ने दिखा दी, जिसके ऊपर मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी केस ठोक दिए गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं समझता हूं बेवजह विरोधी पार्टियां इसको तूल दे रही हैं क्योंकि उनको कुछ और नहीं मिल रहा। आपकी नजर में बेवजह तूल दे रही हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा, यही जी चुनाव आयोग ने चेतावनी देकर छोड़ दिया है। बिल्कुल। आइए यहां सुरजेवाला साहब से यही सीधा सवाल पूछते हैं कि कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ऐसे छोटे मोटे टेक्निकल इशू उठा रहे हैं जिसमें मेरिट नहीं है और लीगली इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, 16 मई के बाद कौन से केसेस फॉलो अप होते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो ऐसे छोटे मामले में पड़ना क्यों सुरजेवाला साहब? संजय जी, 2 या 3 पहलू हैं जो आपके दर्शकों के समक्ष में रखना चाहूंगा। सबसे पहले, सार्वजनिक जीवन में श्री नरेंद्र मोदी जब से ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया आई है, शुरू हुई है और उनको बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, संविधान की, कानून की, चुनाव आचार संहिता की, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की, वो खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं जैसे उनका किसी प्रकार के कानून, संविधान, नीति, प्रोसेसेस किसी से कोई सरोकार नहीं। मैं आपके समक्ष और आपके दर्शकों के समक्ष केवल एक सीधा प्रश्न रखना चाहूंगा। आपने भी कहा कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ही कानून और संविधान की इस प्रकार से धज्जियां उड़ाएगा, 48 घंटे की जो परिधि लगाई गई थी चुनाव प्रचार बंद करने की, वो चुनाव प्रचार के बाद सब वोटर्स को ठंडे दिमाग से सोचने के बारे में लगाई गई।
मोदी जी ने केवल साइन लहराया हो कमल का, इतना नहीं था, उसके साथ साथ बाकायदा उन्होंने एक पत्रकार गोष्ठी की और वहां आरोप प्रत्यारोप लगाए अपने विरोधियों पर, खासतौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। ये चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है। या तो हम मान लें कि कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन, धारा 324, कानून, संविधान, उनके कोई मायने नहीं है। जी बिल्कुल। अगर बिल्कुल, हैं जी, तो क्या ये शोभनीय है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश का सबसे बड़ा पद पाने की इच्छा रखता है, जी, वो कैसे न्याय करेगा इस देश के साथ, जी, या खुद अपने प्रांत के लोगों के साथ जहां वो मुख्यमंत्री है, जब वो स्वयं कानून और संविधान को तरजीह नहीं देता। बिल्कुल, आपने अपनी बात केवल उन्होंने आज किया हो ऐसा नहीं, इससे पिछले जो फेज था उसमें भी उन्होंने वडोदरा से नामांकन संजय जी भरा, जी जी, और उस समय भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया के माध्यम से दिखाया। बिल्कुल, आपने अपनी बात रख दी, सीटों पर असर हो। बिल्कुल ठीक है राहुल देव जी, यही सवाल है कि क्या मोदी जी ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई बहुत कानूनी फॉलोआउट, कोई कॉन्सिक्वेंस तो होना नहीं है, इसलिए ऐसा करके मीडिया स्पेस में, माइंड स्पेस में छाए रहें और कमल का निशान लहराते रहें, थोड़ा और धक्का लगा दें कि ताकि कुछ लोग और प्रभावित हो जाएं। आपको लगता है कि ये सब अवॉइडेबल है, उनको करने की जरूरत नहीं है जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं राहुल देव जी? मुझे नहीं लगता संजय कि नरेंद्र मोदी ने आज जो किया वो उन्होंने जानबूझकर किसी योजना के तहत और लोगों को प्रभावित करने के लिए किया। वो इस समय इतने ज्यादा लगातार मीडिया में रहते हैं, उनसे ज्यादा कौन रहता है इस समय मीडिया में, तो उनको केवल आज ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो नहीं करते तो भी कुछ नहीं होता, कर लिया उन्होंने तो उनके राजनीतिक प्रचार पर और उनके प्रभाव पर कोई उससे असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनको चुनाव संहिता का, आचार संहिता का भी पता होगा, उन्हें संबंधित कानूनों का भी पता होगा और उनका वो अपने कम से कम आचरण में ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने आज जो किया है वो तकनीकी रूप से गलत है और उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये कोई उन्होंने बहुत फायदा उठाने के लिए किया ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने उनको जो चेतावनी दी है, जो केस दर्ज कराया, मैं समझता हूं सही किया है। जी बिल्कुल, उसका ये काम है कि वो किसी छोटे बड़े जो भी हो, जिसने संहिता का उल्लंघन किया है, जी, 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 उसको जी, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे। मैं आशा करता हूं कि वो अहमदाबाद पुलिस भी उनके खिलाफ ठीक से जांच करेगी इस मामले में और ठीक कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। बिल्कुल, जो समुचित होगी, अनुपात में होगी। बिल्कुल, आज लेकिन, की, जी, लेकिन आज की, थोड़ा चुनाव आयोग भी एक कुछ आश्चर्यजनक काम करता है कि जो वो बिल्कुल उसने सारे अपने चैनल्स को नोटिस दे दिया है, उनको भी दोषी ठहराया है। प्रक्रियाएं तो कोई हम प्रक्रियाएं पूरे करने वाला एक जो सिलसिला होता है वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, विनय आपसे एक सवाल, पुलिंग पर हम लोग मूव करें दूसरे विषय पर, उसके पहले ये सारा चर्चा आपने सुनी उसको समराइज अगर करना हो दर्शकों को क्लैरिटी के लिए, क्या कुछ गंभीर होने जा रहा है इस केस से या कुछ नहीं होने जा रहा? इसका कोई बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है संजय। जो इस तरफ चुनाव, जो असली खेल है चुनाव का, जिसमें लोग अपना निर्णय लेते हैं किसको वोट देना है, वो केवल एक 5 मिनट कमल लहराने से कोई निर्णय अपना ना बदलता है ना लेता है। आई थिंक इसमें ज्यादा बड़ा लेसन ये है कि ये जो मल्टी फेज इलेक्शन में आचार संहिता के वायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही विनय। मेरा आप सवाल पोलिंग के बारे में है, 438 सीटों के मत पड़ चुके हैं, सब लोग हाई टर्नआउट को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, नए वोटर को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहा है इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब इस मुकाम पर जैसा चुनाव आ गया है, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की थीम पर हिंदुस्तानी वोटर वोट कर रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें संजय एक जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी विरोधाभास है वो ये है कि जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तब एक थीम जरूर थी जो शायद पूरे भारत में लगभग ऑमनिबस स्टाइल में पूरे भारत में फैली हुई थी, वो था डेवलपमेंट वर्सेस अदर मुद्दे, बाकी मुद्दों के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे, और इस बार का चुनाव लगभग एक T20 श्रृंखला की तरह है जिसमें हर गेम अलग है, एक नई शुरुआत होती है हर फेज में और हर फेज की पॉपुलैरिटी, पिच कंडीशन अलग अलग है। आज की पिच कंडीशन थोड़ी भिन्न है, हर राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई हो रही है। यूपी के अंदर डेवलपमेंट का मुद्दा बिल्कुल गायब हो चुका है इस वक्त, बहुत बिल्कुल अन्य मुकाबलों, अन्य बातों के मुकाबला चल रहा है, और इसी वजह से एक मुद्दा इस वक्त नहीं है। हर राज्य का मुद्दा अलग है, हर राज्य की पिच अलग है, कुछ टर्निंग विकेट्स हैं, कुछ फास्ट विकेट्स हैं और कुछ बड़ी डिफिकल्ट। तो ये सब लोकल फैक्टर का एक एग्रीगेशन क्या सामने आएगा उस पर निर्भर करेगा काफी कुछ। यहां पर मैं सुरजेवाला साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और ये दिस बनाम दैट के नाते नहीं, एक सीरियस एनालिसिस के नाते, आपको लगता है कि अब तक के जो वोट पड़ चुके हैं उसके बाद
कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब अपनी हार मान ली है और पंजाब में अकाली दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जैसी जो बातें हैं ये मन को सिर्फ तसल्ली देने के लिए है। देखिए, एक हिंदुस्तानी और एक छोटे चुनाव विश्लेषक के तौर पर, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, मैं ये स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि इरादे भी कांग्रेस के मजबूत हैं और निशाना भी मजबूत है और उम्मीद ये है कि लोगों का आशीर्वाद भी बेहतरीन होगा। जैसे जैसे चुनाव की फिजा बदली है, लोगों ने यह भी देखा कि मोदी जी जो डेवलपमेंट की बात करते थे वो घोषणा पत्र लाना ही भारतीय जनता पार्टी भूल गई। पहले चुनाव का जब वोट पड़े थे उस दिन केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक ऐसा घोषणा पत्र लाया गया जिसके अंदर कुछ भी ढूंढने से एक भी घोषणा नहीं मिलती। विजन 2025 की मोदी जी बात किया करते थे, 3 महीने 6 महीने से पिछड़े करते रहे। जब चुनाव आया तो उस विजन 2025 को पूर्णतया भूल गए और आखिर में उन्होंने पिछले 2 से 3 फेजेस से एक सुनियोजित नीति से भाजपा और मोदी जी ने चुनाव को धर्म धर्म के आधार पर, समुदायों के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश की, पोलराइज करने की कोशिश की है। बिल्कुल, प्रवीण तोगड़िया से लेकर, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर, गिरिराज सिंह से लेकर और अमित शाह तक, विजय गोयल साहब के बयान जो एक सोची समझी नीयत से दिए गए हैं, बिल्कुल ये दर्शाते हैं कि समाज को बांटने का एक प्रयास था, पर मुझे नहीं लगता वो इसमें कामयाब। ठीक है, सुरजेवाला साहब जो बात कह रहे हैं, विजय गोयल साहब आपसे मेरा सवाल है, बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा, और वो ये कि चले थे डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर के, लेकिन अंत में एक तो पोलराइजेशन का बात की बात और दूसरी बात जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके शीर्ष नेताओं ने किया, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिस्परेशन और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो दिखाता है। गोयल साहब, देखिए, मैं आपकी बात से पूरा रूप से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा जो था वो विकास का ही एजेंडा है और पहले से वो इसी बात को कहते रहे हैं और साथ साथ यूपीए सरकार की 10 साल की जो विफलता है उसके बारे में है। इस समय हमको 2 लाभ मिल रहे हैं। पहला लाभ मिल रहा है यूपीए की सरकार में जो महंगाई, आतंकवाद और भ्रष्टाचार है उसके बारे में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और दूसरा यह है नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल, तो जो आप चल के चले थे। किंतु मैं समझता हूं कि कुछ पार्टियों ने इसको विकास की जगह दूसरे इश्यूज को लाने की कोशिश की और उसमें शायद तू-तू मैं हुई। मुझे लगता है कि अभी भी हमारा विकास का एजेंडा है। ये जो लोग कहते हैं इनके इरादे मजबूत है और निशाना भी मजबूत है, उनके पार्टी के सब नेता अब ये कहते हैं कि वो थर्ड फ्रंट को सपोर्ट देने वाले हैं जी। और जहां तक घोषणा पत्र की है, बात मैं बता दूं कि ये जो घोषणा पत्र केवल रिचुअल नहीं है, ये घोषणा पत्र मोदी जी की हर सभा के अंदर जो वो बोल रहे हैं वो सब घोषणा पत्र बोल रहे हैं जी, और वही विजन है और लोग वही सुनना और जानना चाहते हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने टेलीविजन पे इतने इंटरव्यू दिए कि मैं समझता हूं कि जनता को जितने भी स्पष्टीकरण चाहिए थे वो सब हर इश्यूज के ऊपर मिले, चाहे वो विदेश नीति थी, चाहे वो आतंकवाद के ऊपर था, चाहे भ्रष्टाचार था, चाहे महंगाई थी, चाहे बेरोजगारी पे था। उन्होंने पहली बार, वे ही एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जिन्होंने लगभग हर मुद्दे के ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक बात कहा, पर इस चुनाव की अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उसका फैसला जनता करेगी कि किनके आरोप ठीक हैं और जिस प्रकार के अच्छे चुनाव हुए हैं उसका तो श्रेय हमको, हमारी इस मशीनरी को देना चाहिए जो एक बहुत अच्छा चुनाव डिलीवर करती है। राहुल देव जी, वक्त की बिल्कुल कमी है, एक छोटा सा चलते चलते आपसे कमेंट चाहूंगा, जहां से मैं शुरू हुआ था कि अभी तक के टर्नआउट को देखने के बाद क्या ये माना जाए कि ये अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाने वाले चुनावों का एक एग्रीगेशन होगा, या ये माना जाए कि किसी एक कॉमन थीम पर पड़ रहा है, और अगर ऐसा है तो वो थीम क्या है? देखिए, दोनों चीजें होती हैं। ये मानना कि दोनों में से एक ही चीज है, ये आइदर और वाली स्थिति नहीं है संजय, ये आप भी जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर और जो एक बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न इस समय लोगों के सामने है कि एक नया नेतृत्व देना है, किस तरह का नेतृत्व देना है, ये सवाल इस वक्त स्थानीय और प्रादेशिक मुद्दों के साथ साथ लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा रहा है। तो ये मानना कि प्रदेशों में रहने वाले लोग सिर्फ प्रदेश की ही सोचते हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं समझता हूं कि एक ये इस बार का थोड़ा अभूतपूर्व किस्म का चुनाव है और लोगों को इसका एहसास है कि ये चुनाव थोड़ा अलग है,
और वो अलगाव कई महीनों में किन वजहों से है, किस व्यक्ति की वजह से या किन व्यक्तियों की वजह से, लोगों को उसका अंदाज है। कई महीनों में अभूतपूर्व है ये चुनाव और ये समझ में आएगा 16 को कि क्यों अभूतपूर्व है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। पड़ रहा है और अगर ऐसा है तो वो थीम क्या है? देखिए दोनों चीजें होती हैं, ये मानना कि दोनों में से एक ही चीज है ये आइदर और वाली स्थिति नहीं है संजय, ये आप भी जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर और जो एक बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न इस समय लोगों के सामने है कि एक नया नेतृत्व देना है, किस तरह का नेतृत्व देना है, ये सवाल इस वक्त स्थानीय और प्रादेशिक मुद्दों के साथ साथ लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा रहा है। तो ये मानना कि प्रदेशों में रहने वाले लोग सिर्फ प्रदेश की ही सोचते हैं ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं समझता हूं कि एक ये इस बार का थोड़ा अभूतपूर्व किस्म का चुनाव है और लोगों को इसका एहसास है कि ये चुनाव थोड़ा अलग है और वो अलगाव कई क्या महीनों है, में किन वजहों से है, किस व्यक्ति की वजह से या किन व्यक्तियों की वजह से, लोगों को उसका अंदाज है। कई महीनों में अभूतपूर्व है ये चुनाव और ये समझ में आएगा 16 को कि क्यों अभूतपूर्व है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।